जम्मू में कटरा से करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली के पास मंगलवार सुबह एक बस पुल से नीचे गिर गई। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई और 55 जख्मी हो गए। मौके पर स्थानीय लोग CRPF और SDRF ने लोगों को रेस्क्यू किया। यह बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी। इसमें 75 यात्री सवार थे, सभी बिहार के रहने वाले थे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को GMC जम्मू में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का कारण बस की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। ब्रेक फेल होने के बाद बस ने अपना संतुलन खो दिया और झज्जर कोटली पुल से नीचे गिर गई। CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अशोक चौधरी ने बताया कि यात्री कटरा जाते समय शायद रास्ता भूल गए और यहाँ पहुँच गए। इस हादसे में बचाव कार्य के लिए क्रेन लाई जा रही है, जिसे यह देखा जा सके कि बस के नीचे कोई फंसा तो नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।